हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे कि देखिए हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो आप लोग देखिए कि हमने अपनी छत पे क्या इंतज़ाम किया हुआ है। और हमने अपनी छत पे पूरी तरह से तिरपाल लगा दिया है। ये देखिए हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और हम आपको अपना तिरपाल भी दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने तिरपाल लगा लिया है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमने कल लगाया था क्योंकि कल से हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था, बारिश का मौसम हो गया था क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए ये हमने लगा लिया है और ये देखिए हमने अपने प्लांट बचा के रखे हैं। प्लांट को हमने छोड़ दिया है ताकि हमारे प्लांट अच्छे से पानी पाते रहें। आप देख रहे होंगे कि ये हमारे प्लांट हैं और ये ऊपर का एरिया हमने ढक लिया है क्योंकि हमारी सीढ़ियों से नीचे पानी जाया करता था। आप देखिए ये हमारी सीढ़ियां हैं, तो हमारी सीढ़ियां खुली थी तो जिस वजह से हमारे आंगन में, बरामदे में पानी जाया करता था। ये देखिए हम आपको सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं। तो अब हमने पूरा इंतजाम कर लिया है कि हमारे बरामदे में पानी नहीं जाएगा और हमारा बरामदा सूखा सूखा सा रहेगा, गंदा नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये तिरपाल जो हमारा है, ये तिरपाल हमने मंगाया था, अगले साल मंगाया था, तो हमने इसको रखा हुआ था तो ये थोड़ा सा कट गया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे से छेद दिखाई दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कट गया है। लेकिन उतनी सेफ्टी तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें पानी से बचाएगा, गंदगी आने से रोकेगा। तो हमारे सीढ़ियाँ, हमारा बरामदा अच्छे से साफ सुथरा रहेगा, गंदा नहीं होगा। तो देखिए थोड़ी सी ही बारिश हुई है और प्लांट देखिए कितना चमाचम हो गए हैं। ये देखिए हमारे प्लांट, हम आपको सारे प्लांट दिखा रहे हैं। तो देखिए आप कितने हरे हरे से लग रहे हैं। तो ये हमने जितने में हमारे प्लांट लगे हुए हैं उतने में हमने कोई टेंट नहीं लगाया है, कोई तिरपाल नहीं लगाया है। अगर हम ऊपर से ढक देते तो हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करते और वो सूख जाते, तो इसलिए हमने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान दिया है कि हमारे तिरपाल के नीचे हमारे प्लांट ना आ जाएं। थोड़े से प्लांट हैं हमारे जो कि तिरपाल के नीचे आ गए हैं, जो हमने सीढ़ियों के बगल में रखे हुए थे। ये देखिए तो ये तिरपाल के नीचे हैं, लेकिन इसका हम ध्यान रखेंगे, हम इसको बराबर पानी देंगे। तो ये देखिए ये हमारे थोड़े से गमले रखे हुए हैं जो कि सीढ़ियों के पास हैं, तो सीढ़ियों के पास हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। सीढ़ियाँ ही मुझे कवर करनी थी क्योंकि सीढ़ियों की वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए हमने सीढ़ियों को कवर कर लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा सा गुड़हल खिला हुआ है। ये देखिए आज कई दिनों के बाद हमारे गुड़हल में ये देखिए फूल आया हुआ है और एक फूल और आया हुआ है। ये देखिए दो फूल हो गए और एक और है, तो ये देखिए तीन फूल हो गए। और ये देखिए पानी हमारे यहाँ गिर रहा है, पानी बरस रहा है। ये देखिए सभी पत्तियों पर पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं। इस टाइम भी बारिश हो रही है तो हम ज़्यादा बाहर से शूट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे मोबाइल पे पानी गिर जाएगा, हमारा मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे देख लीजिए कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, सुहाना मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड।